देखिए अगला क्वेश्चन है रिकरिंग नंबर से। रिकरिंग नंबर का एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 0.3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3/9। और ये क्यों लिखते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3, 3, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं इसको 10 से अगर मैं इसे x मानता हूँ और 1, 3 इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10x क्या हो जाएगा, 3.333 एंड टिल सो ऑन। अब देखिए ये अगर मैं इसको लिखूं 3+0.333 और कह सकता हूं कि बार लगा दूं आगे, और इस पॉइंट को मैंने क्या माना है x, अगर मैं यहां पे x से रिप्लेस कर दूं, x इधर आके माइनस हो जाएगा, मुझे मिलेगा 9x = 3 और x = 3/9। ये एक कंसेप्ट होता है रिकरिंग नंबर का, रिपीटेड सीरीज का। अब इस पे देखिए बेस्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं और किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट मेथड मैं अगर कहूँ आपको यहाँ से दिखाऊं, तो क्या कहूंगा कि जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतना ही नीचे नो चिपका दीजिए। ठीक है, अगर बात करूं कुछ ऐसे 0.5, 3 और 3 के ऊपर बार हो तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे देखिए कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे नो लगा दीजिए पॉइंट रिप्लेस करके। मैंने लिखा 5, 3। ठीक है, और मैंने फिर से बताया कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नो चिपका दीजिए, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगा दीजिए, लेकिन ये जो कंप्लीट टोटल नंबर है उसमें से माइनस कर दीजिए वो नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब 5। ठीक है, ये चीज जरूर समझिएगा, मैं इसको आपको ए और बी मान के भी ये चीज कराऊंगा, लेकिन वहां पे आपको शायद कंफ्यूजन हो थोड़ा सा, लेकिन समझनी फिर भी होगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, वहां से आपको और अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, और उसका जो एक शॉर्ट मेथड जो कंक्लूजन होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन है x = 3.3 bar को p/q का मान क्या होगा, मतलब हम इसको रैशनल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए। मैंने आपको फिर से बताया कि ये जो रिकरिंग नंबर है ये सिर्फ काम करता है पॉइंट के बाद वाली जो भी संख्या है उनके ऊपर, ये चीज आपको समझनी होगी। मैं पहले ये 3 अलग सेपरेट निकाल लेता हूं यहाँ पे। अब मानता हूं कि मेरा x = 0.3 bar है सिर्फ, और मैंने बताया आपको कि इसे मैं p/q की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3/9 में इसे लिख सकता हूँ, और 3/9 किसके बराबर हो गया, 1/3 के बराबर हो गया। 3 मैंने अलग से निकाल रखा था, मैं कह सकता हूं 3 + 1/3 बराबर कितना आ गया, 3 × 9 = 10/3, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये समझिए एक बार। अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, एक सेकंड पॉइंट और भी क्लियर होगा वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है x = 3.35 bar। ठीक है, अब 3 और 5 दोनों के ऊपर बार है। मैंने कहा कि जो पॉइंट से पहले का 3 है उसको बाहर निकाल लीजिए यहां पे। ठीक है, अब मेरा x बराबर हो गया 0.35 और दोनों के ऊपर बार। मैंने फिर से आपको बताया था कि मैं इसको देखिए कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो x = 0.353535, इसका मतलब कुछ ऐसा ही है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं सो मेरा 100x = आएगा 335.3535 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो इतनी चीज है ये तो मेरी यहां पर x है। ठीक है, और ये अगर मेरी x है तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज 35+x है। ठीक है, और अगर ये x इधर आके माइनस होगा तो ये मिलेगा 99x = 35 और मेरा x बराबर आ जाएगा 35/99 के। ठीक है, लेकिन ये चीज मैंने आपको यही तो बताई डायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने आपको क्या बोला कि पॉइंट हटा दीजिए, आप लिखिए 35 और जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही नीचे नो चिपका दीजिए। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे कंप्लीट करते हैं यहां से आगे। मैंने कहा ये आ गया 35/99 और 3 मैंने अलग से ये वाला 3 यहां पे निकाल लिया था,
इसे मैं लिख सकता हूं 3 जमा 35 बटा 99 मल्टीप्लाई करूंगा 9 किया 27, 27 और 5 मतलब 12 मिलेगा, हमें जो 32 मिलेगा मतलब 2 मेरा यूनिट प्लेस पर आएगा। और देखिए ऑप्शन 4 आपका है 3 3 2 अपॉन 99, और एक सिंगल ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है। ओके नहीं 90 भी है पहले में, लेकिन आपने देखा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 99 आ रहा है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें न्यूमरेटर की यूनिट प्लेस पर 2 है और अपॉन में 99 है। यही आपका आंसर होगा, आप सोल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक्स इज इक्वल टू 3.23 और एक सिंगल बार है सिर्फ 3 के ऊपर, और हमें बताना है P by Q की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो पहली चीज बताई थी ये वाला 3 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया। अब बात आती है आगे, x is equal to 0.23 बार, और मैंने आपको बताया कि पॉइंट हटा दीजिए, बटा कीजिए, जितने के ऊपर बार है उतना नो चिपका दीजिए, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी एक जीरो लगा दीजिए, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है टोटल 23 में से वो नंबर माइनस कर दीजिए। कितना मिला? 21 अपॉन 90, 3 7 21, 3 3 9 0, 7 बटा 30, और 1 3 मेरे पास ऑलरेडी ये वाला बाहर निकला हुआ था, 3 जमा 7 बटा 30, 3 3 9 और 7 97 बटा 30 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन 2 आंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है, समझ आया आपको? ये चीज आप समझिए कि ये जो है ना, ये चीज, ये पार्ट एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से समझा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा, मैं एक बार फिर से बता दूंगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है x is equal to 3.257 एंड बार है 5 एंड 7 के ऊपर, हमें बतानी है p by q की फॉर्म क्या होगी। एक बार फिर से आते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, 3 को मैं फिर से अलग निकाल रहा हूं, एक बार मेरा x बचा 0.257 और उसके ऊपर कंप्लीट बार। अब देखिए फिर से मैंने पॉइंट हटाया, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नो चिपका दिए मैंने, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी एक जीरो लगा दी, ठीक है, और यहां से बार खत्म हुआ हमारा सिर्फ 2 के ऊपर बार नहीं था, सो मैं टोटल में से 2 माइनस कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा 255 बटा 99, ठीक है। अब ये 3 मेरे पास आता है, पहले मैं उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, 5 5 10 और 2 12 है, बिल्कुल ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15, 85 बटा 33, और अब तो डिवाइड नहीं होगा, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 85 बाय 33। एंड देखिए क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, और मिस्टेक कहां पर हुआ है ये देखना है हमें। एक बार मैं यहां पे कैलकुलेशन फिर से करता हूं। ओके, ये मेरा जीरो भी नीचे था, ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए 255 अपॉन 990, ये इतना आना था, 3 3 9, 3 3 9 0, 3 8 24, 3 5 15, 5 से मैं कट कर सकता हूं, 5 1 5, 5 7 35, 5 6 30 और 5 6 30 मतलब 17 बाय 66। यहां से x मेरा क्या आ जाएगा, एक तो 3 कंप्लीट ये था और अलग से 3 जमा 17 बटे 66, 66 18 और 7 25, मतलब यूनिट प्लेस पर 5 हमारा रहना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा है 215 बटे 66 जिसमें डिनोमिनेटर में 66 आ रहा है और ऊपर यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। आपको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 215 बटे 66 आपका आंसर होगा।
आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये किया है। एक बार मैं ए और बी की फॉर्म में भी इनको लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास नंबर है पॉइंट ए बी एंड बार, सो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, मैं कहूंगा ए बी माइनस ए अपॉन 9 0, बिल्कुल ठीक। जितने के ऊपर बार था मैंने 9 लगाया, जिसके के ऊपर बार नहीं था एक 0 चिपका दी, और जिसके ऊपर बार नहीं था वो नंबर मैंने माइनस कर दिया। अब बात जो ध्यान रखने की है वो क्या बात थी, वो बात ये थी कि इस नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन में नहीं मानेंगे, क्योंकि ए और बी हमारा एक कंप्लीट नंबर है। जिस तरीके से मैं कहूँ एक कंप्लीट नंबर 2 और 3 है, और आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 10, ये 10th डिजिट है, सो 10 ऑफ 2 प्लस 3, आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो अगर इलेबोरेट करके मैं ऊपर वाले ही नंबर को लिखूं तो क्या लिखूंगा, 10 ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 90, इसकी एक्सप्लेन फॉर्म होगी, इलेबोरेट फॉर्म होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इस चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर बात तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए बी और दोनों के ऊपर बार की, सो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन 99। ठीक है, दोनों के ऊपर बार है, दो मैंने नीचे नो चिपका दिए, ठीक है 99 आ गया। अगर मैं बात करूं 3 के केस में, ए बी सी और दो के ऊपर बार है, सो मैं कैसे किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए ये अब मेरा 100 प्लेस तक आ गया, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी मेरी कंप्लीट डिजिट होगी। ठीक है, अब मैं इसे किस तरीके से एलैबोरेट कर सकता हूं, हम कह सकते हैं ए बी सी माइनस ए अपॉन 99 0। ठीक है, ये इसके शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए या किसका भी एलैबोरेट फॉर्म कह लीजिए, आपको उसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बेस एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं कि ये चीज कहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो। देखिए, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, हमने लिखा हुआ ये, इफ 0. ए बी बार प्लस 0. बी ए बार इज इक्वल टू 4/9, देन हमें बताना था कि ए प्लस बी कितना होगा। ठीक है, वो चीज देखिए जो मैंने अभी ए बी की फॉर्म की बात बताई वो यहां पर कुछ तरीके से काम आती है। मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ए बी माइनस ए अपॉन 9 0, इसे मैं लिख सकता हूं बी ए माइनस बी अपॉन 9 0। ठीक है, अब देखिए आप इनको डायरेक्ट माइनस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। मैं इस नंबर को कंप्लीट लिखूंगा 10 ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 9 0 प्लस 10 बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 9 0। ठीक है, बिल्कुल। और अब देखिए यहाँ पे अब हम ये कर सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं प्लस ए माइनस ए, प्लस ए से कट हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी से कट हो जाएगा, हमें मिलेगा ऊपर 10 ए प्लस 10 बी, मतलब 10 ए प्लस बी अपॉन 9 0, और ये बराबर किसके दिया हुआ है 4/9 के। ठीक है, 10 99 और 9 से 9 कट जाएगा, ए प्लस बी हमारा किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। यहां पर ये चीज यूज होती है कि आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। डीएसएस भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है आजकल एग्जाम्स में। लास्ट टाइम का आपने 10th grade 2 का पेपर तो शायद देख ही लिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब क्वेश्चन की बात आती है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि है आपका डायरेक्ट, ये वर्बली मैं 4 क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, देखिए किसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल 16 आता है, तो उस संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ट्रिक देखिए, कुछ ट्रिक नहीं है, बाकी तो मैं सच बताऊं आपको बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जितना इसने रिमाइंडर बोला हुआ है कि 60 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हो सकता है कि वो नंबर 76 हो, क्योंकि अगर मैं इसे 60 से भाग दूंगा तो 60 एकम 60 पर जाएगा और 16 रिमाइंडर दे देगा।
ठीक है बिल्कुल। अब ये बात करता है कि अगर उसी नंबर को 12 से भाग दे, अगर मैं 76 को ही 12 से भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा वो देखिए। तो शेषफल क्या होगा हमें ये बताना है। सो मैंने इसे किया 12 छिक 72, ठीक है रिमाइंडर कितना बचा 4। लेकिन आप बताए 60 से भाग देने पर 16 रिमाइंडर बचा था, अगर मैं इसी रिमाइंडर को 12 से भाग देता हूं तो कितना रिमाइंडर बचता है 4। तो क्या ये दोनों रिमाइंडर सेम नहीं है? अगर मैं उस नंबर को 12 से भाग दूं तो भी रिमाइंडर 4 आ जाए, और अगर 60 से भाग दिए हुए रिमाइंडर को अगर मैं 12 से भाग दूं तो भी 4 आ रहा है। इसका मतलब मैं रिमाइंडर को डायरेक्ट भाग दे सकता हूं, मुझे नंबर निकालने की जरूरत नहीं है कि नंबर क्या हो और कितना हो, ठीक है। तो हम इन चीजों को डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे और इसी के लिए, और इसमें फंडा क्या लगता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा है कि 60 से भाग देने पर 16 मिलता है, ठीक है, और उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि जब 60 से भाग दे रहे हैं और 12 से भाग दे रहे हैं, 60 और 12 दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल हैं, और इसीलिए ये चीज सेम आ रही है, अदरवाइज ये चीज कभी भी सेम नहीं आएगी किसी भी केस में। कोई भी नंबर आप उठा के करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका 76 करने पर रिमाइंडर यहाँ पे 16 बच रहा है वहां पे, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि अगर 12 की जगह इसे अगर आप 13 से भाग देंगे रिमाइंडर को तो ये एकम पे जाएगा और 3 रिमाइंडर देगा, ना कि आपको 4 मिलेगा उससे, ठीक है। अब आप देख लीजिए अगर 76 को 13 से करते हैं तो 13 छिक 78 पे जाता है, ठीक है, और सॉरी 13 पंजे 65 पे जाता है, और यहाँ पे 11 रिमाइंडर बच रहा है। और देखिए आप रिमाइंडर बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसीलिए 60 और 12 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, इवन 60 मल्टीपल है 12 का, इसीलिए वो चीज कंप्लीट हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 84 से भाग करने पर शेषफल 14 आता है, यदि उसी संख्या के 3 गुने को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब आप ऐसा कीजिए कि रिमाइंडर का भी 3 गुना कर दीजिए, जब वो अगले पहले ही 3 गुना करवा रहा है तो रिमाइंडर का 3 गुना कर दीजिए, 14 3 42, और 42 को आप जैसे ही 12 से भाग करते हैं कितना बच जाएगा 12 3 36, ठीक है, और रिमाइंडर हमें मिलेगा 6, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 60 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, उसी संख्या के वर्ग को आप अब 8 का वर्ग कर दीजिए, 8 8 64, 15 से जैसे ही 64 को भाग देंगे 60 पर जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 आंसर होगा। किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, उसी संख्या के घन को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब आप देखिए कि 63 को भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है 4, और हमें घन मतलब उसका क्यूब भाग दिलवाना है, तो 4 का आप क्यूब कर दीजिए कितना हो जाएगा 64, और 9 सता 63 तक जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, R इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन वर्बली करने वाले हैं बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें कुछ लगने वाला है। एक दो क्वेश्चन इसमें और भी हैं आपके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 43 आता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आप देखिए 221 और 17 मल्टीपल हैं एक दूसरे के, इसीलिए वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अदरवाइज कभी ना पूछता वो क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 43 को ही 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 दूनी 34 पर ये चीज जाएगी और हमें 9 रिमाइंडर बच जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस हैं, और आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट समझ आए होंगे। और अगर आपको नहीं कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट आप किसी भी तरीके का चाहते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये सब चीजें। अगली आने वाली वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा हमारा नंबर सिस्टम, और आजकल में ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए आज की क्लास कंक्लूड करते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।